ठंड की सीजन में हम सबके घरों में कच्ची हल्दी जरूर खाई जाती है। या तो हम उसका अचार बनाते हैं या तो उसकी सब्जी बना के खाते हैं, क्योंकि जो कच्ची हल्दी है ना, वो टेस्ट के साथ साथ बहुत सारे और भी बेनिफिट्स देती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ही नए तरीके से कच्ची हल्दी की सब्जी की रेसिपी। इस तरीके से शायद ही आज से पहले आपने बनाई होगी या तो खाई होगी। सो हे गाइस, दिस इज प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं एक नए तरीके से कच्ची हल्दी की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 150 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, जिसको मैंने पानी से अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है। तो सबसे पहले हल्दी को ना, इस तरीके का जो ये जॉइंट होता है ना, इसको चाकू से पहले हम अलग कर लेंगे, और फिर जो आलू छीलने वाला पीलर होता है ना, उसकी मदद से इस तरीके से पूरी स्किन इसकी छिलके पूरा हटा देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आराम और आसानी से हम इसके छिलके निकाल सकते हैं। तो सारी हल्दी को छील के मैंने पानी से एक बार अच्छे से धो के ड्राई करके ले लिया है। अब चाकू से ना इसको हम पतली पतली स्लाइसेस में इस तरीके से काट लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और पतला भी नहीं रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसकी स्लाइस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी हल्दी को स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर लिया है, और हल्दी को काटने के बाद ये देखिए जो हाथ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार साबुन से हाथ धोएंगे तो ये आराम से निकल जाएंगे। तो हमारी हल्दी यहाँ पे कट चुकी है, तो चलिए 2-3 चीज़ें और भी हम काट के तैयार करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने हरा लहसुन लिया है, तो मैंने 6 या 7 लहसुन यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे आप इसकी मात्रा जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको साफ़ करके अच्छे से धो के मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट के ले लिया है। तो इसका जो वाइट पोर्शन है वो अलग रखेंगे, और जो पत्ता है उसको भी काट के अलग रखना है इस तरीके से। अब साथ में ही मैंने यहाँ पे हरा प्याज लिया है, वो भी 5 से 6 जितने लिए हैं, और इसकी भी मात्रा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से साफ़ करके पानी से धो के इस तरीके से कट करके मैंने ले लिया है, और इसका भी वाइट पोर्शन अलग रखेंगे काट के, और पत्ते वाला हिस्सा जो है उसको भी काट के अलग रखना है। अब एक कढ़ाई को हम गैस पे चलाएंगे और उसमें डालेंगे करीब 1.5 टेबल स्पून जितना देसी घी, और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इसके बाद हमने जो हल्दी को काट के रखा है वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे गैस की आंच को बिल्कुल कम रखेंगे और कम आंच पे इस हल्दी को हम भूनेंगे, और इसको भूनने में आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हल्के हल्के धीरे धीरे कम आंच पे इसको आपने भूनना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे आप इसको भूनेंगे तो जो हल्दी है वो तुरंत जल जाएगी और इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो इसको भूनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यहाँ पे कम आंच पे जितना अच्छे से ये भुनाएगा ना, सब्ज़ी में इसका टेस्ट और निखर के आएगा। तो इसको भूनते भूनते मुझे अभी यहाँ पे 8 मिनट होने आए हैं, और ये ऑलमोस्ट होने आई है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चाकू से इसको हम काटेंगे ना तो ये बिल्कुल ही आराम से कट जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो गई है, मतलब कि जो हल्दी है ना वो अच्छे से पक गई है। तो सारी हल्दी को ना हम झारे की मदद से सबको निकाल के एक प्लेट में ले लेंगे। ज़्यादातर लोग जो है ना कच्ची हल्दी की सब्ज़ी उसको ग्रेट करके बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से स्लाइस करके आप एक बार सब्ज़ी बनाना, आपको सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से सारी हल्दी को मैंने प्लेट में ले लिया है। अभी कढ़ाई के अंदर जो घी बचा है ना वो सफिशियंट है, तो इसमें एडिशनल और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट। फटाफट से पलटे की मदद से ना इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट। मैंने यहाँ पे जो मिर्ची है ना वो थोड़ी मीडियम स्पाइसी ली है। तो सबको पलटे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कम आंच पे इसको हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस आधा मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये तीनों चीज़ें ना जलनी नहीं चाहिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। अब इसके बाद जो हमने हरा लहसुन को काट के रखा था उसका वाइट पोर्शन हम इसमें डाल देंगे, और साथ में ही हरे प्याज का भी जो आगे वाला वाइट पोर्शन है ना वो इसमें डाल देंगे। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और एक आध मिनट के लिए हम इसको कम आंच पे भूनेंगे। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हींग, और बस इतना सा ही हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और वापस से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने यहाँ लिया है। तो टमाटर डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, जब तक कि जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, पूरा गल ना जाए। तो थोड़ी देर के बाद जो टमाटर है ना वो पूरा सॉफ्ट हो गया है, गल गया है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे ये तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर लिया है और ये आधा टीस्पून के करीब डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप जितना गर्म पानी। एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, ताकि जो टमाटर है ना वो बहुत ही अच्छे से गल जाए और जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इस सब्ज़ी को थोड़ा सा आप तीखा बनाएंगे ना तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप कम तीखा खाते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो मिर्ची की मात्रा उसके अनुसार आप कम कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पकने के बाद ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और इसमें से घी भी छूटने लगा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये ग्रेवी हमारी होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और ये पूरी ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हरे लहसुन के पत्ते और साथ में ही हमने जो हल्दी को भून के रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसको आधे मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे मिनट के बाद जो हमारी सब्जी है ना ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरे प्याज के पत्ते और साथ में ही हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। वापस से सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये वाली कच्ची हल्दी की जो सब्ज़ी है ना वो बाकी सब्जियों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि जब आप इस सब्ज़ी को खाएंगे ना तो एक चटाकेदार एकदम स्पाइसी ग्रेवी के साथ साथ जो भुनी हुई हल्दी है ना उसका क्रंचीनेस आएगा ना बीच में, तो वो सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक बार आपने इस सब्ज़ी को बना के खा लिया ना आप कच्ची हल्दी की बाकी सारी रेसिपी भूल जाएंगे और यही वाली सब्ज़ी बार बार बनाएंगे। तो बस हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे और लास्ट में हम डालेंगे इसमें ढेर सारी कटी हुई हरी धनिया पत्ती। अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और इसे हम ले लेंगे सर्विंग बाउल में। ये सब्ज़ी रोटी, चावल, खिचड़ी, पराठा किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, ये वाली सब्ज़ी एक बार आप बना लीजिए फिर 2 से 3 दिन इसको बाहर रूम टेम्परेचर पर आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है ये सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, आपको ये कच्ची हल्दी की सब्ज़ी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, बहुत अच्छी लगी अपने किचन में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और हाँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये रेसिपी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस ठंड की सीज़न में इस सब्ज़ी का मज़ा ले सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।